हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मिथिला ब्लॉग संगीता में आप लोग का स्वागत है। आज मैं एक रेसिपी बनाने के लिए इधर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं। इसमें डाल दिए रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड नहीं होगा, घी में भी बना सकते हैं। घी भी ज़रूरी है इसमें डालना, और मेरे पास नहीं था इसीलिए रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। चार ब्रेड ले लिए हैं, ताज़ा ब्रेड लेना है। इसको चारों कतल इसी तरह इसको निकाल देते हैं, पीछे का पोर्शन इसको चार भाग में कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसको फ्राई करेंगे रिफाइंड ऑयल में। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत स्वादिष्ट, इसको मिठाई भी बोल सकते हैं। और इसी तरह आप लोग बनाइएगा। देखिए, कट कर लिए हैं। मीडियम लो फ्लेम पर रखना है, तेज नहीं करना है, नहीं तो टाइट हो जाएगा ब्रेड। बहुत टेस्टी बनता है, बच्चे लोग का बहुत पसंद आएगा। इसी तरह पका लेना है। अब इसको निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। पूरे को इसी तरह पका देंगे। देखिए कितना करारी बना है। घी में ज़रूर बनाइएगा, घी में बहुत टेस्टी बनता है, रिफाइंड में भी बहुत टेस्टी बनता है। इधर 3 कप दूध ले लिए हैं। दूध को अच्छे से उसको पेड़ा के तरह गाढ़ा बनाऊंगी इसमें डालने के लिए। इसी तरह चलाते रहेंगे। इसमें फूड कलर डाल दिए हैं। आप लोग केसर होगा तो केसर डाल दिए, मेरे पास नहीं था इसीलिए फूड कलर डाल दिए हैं। इसमें आधा कप चीनी ले लेते हैं। दूध में पानी नहीं डालना है, ये हो चुका है। इसमें इलायची पाउडर जो रखे हुए थे कूट के वो डाल देते हैं। 1 इलायची लिए हुए थे। इतना अच्छा स्वादिष्ट बनता है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गैस के कर देते हैं बंद। इसमें डाल देते हैं गुलाब जामुन के तरह, इसमें स्वाद आता है। इतना स्वादिष्ट बन नाश्ता है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।